हेलो 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 ला 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 इधर कौन सा है रही है होम सिनेमा ना हुआ क्या हेलो 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 ओ ठाकुर कर अरे नहीं यूट्यूब एसी नहीं चल सकता बेटा जनरेटर पर है जनरेटर पर है। मैं क्या करूं अभी मतलब मैं भी ऐसे ही बैठा हूं ना। अच्छा पूरी क्लास सीधी बैठेगी एक बार गुड आफ्टरनून बोलेगी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को राधे राधे एक बार एक प्यारी सी स्माइल थोपड़े पर लेके आ जाओ। अच्छा सुनो जब जिंदगी मजे ले रही ना तो अपन भी जिंदगी के मजे लेने का तो आज बता दूं ऑनलाइन वालों को बच्चों को चिड़चिड़ मत करना आज यहां पर करंट नहीं है। थर्सडे को करंट नहीं रहता है सो करंट नहीं है और जनरेटर पर लेक्चर चालू है तो ऐसा हो सकता है कि लेक्चर बंद चालू हो क्योंकि करंट फ्लक्चुएट होते रहता है कभी आता है कभी जाता है। सो जनरेटर बंद होके चालू होता है तो फिर इधर इंटरनेट चला जाता है ठीक है। सो आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा। हाउ गुड वन और तुमको भी थोड़ा सा आज गर्मी में बैठना पड़ेगा बैठो थोड़ा सा क्या है ठंडी का गर्मी का बारिश का स्नो का सबका एक्सपीरियंस चाहिए बैठो। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें क्या अच्छा लगता है बताओ मुझे और तुम्हें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा लाइफ एकदम परफेक्ट चाहिए। कुछ परफेक्ट नहीं होता है लाइफ मजे लेती अपन भी मजे लेने का तुम्हारी इच्छा बाकी। तो अब आपको मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। कल हमने रिटायरमेंट देखना शुरू किया था है ना और रिटायरमेंट में मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए सिर्फ एक समझाया जेएलपी और मैंने कहा जेएलपी ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट में अपीयर ना हो। ए सीधा बैठ बे ए गाड़ो तू बेशरम बेहया इतना नौजवान पुरुष मुझे निकल रही है अभी धीरे धीरे पुरुष नहीं है तू इतना नौजवान है फिर क्या बोल रहा है। ए देख देख मैं एक सच्ची बता रहा हूं कसम से दोस्त सुनना एक्चुअली मैंने इतनी कोई बड़ी बात नहीं की बाजू वाले ना बहुत कमीने हैं तुझे है ना इनसे दूर रहना चाहिए। अपन दोनों दोस्त है जय भद्रकाली है ना वी आर दोस्त वी आर फ्रेंड्स। ए नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया मैंने ये हंसे जोर से इतना क्या जोक था साले खड़ूस लोग है तुझे अभी देख मैं बजा तो उसकी भी सकते बट छोड़ यार अभी नहीं हम बात नहीं कर। सो क्या बात चल रही थी मेरी कल मैंने जेएलपी पढ़ाया और मैंने एक बहुत साधारण सी चीज बोली कोई चीज बैलेंस शीट में है ही नहीं बट फिर भी पैसा मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे प्रॉफिट और प्रॉफिट किसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएस। दिमाग में बस इतना ही रखना कि जेएलपी बैलेंस शीट में है या नहीं है और दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा जी कि अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो हम क्या करेंगे उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट। और एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आदमी मर जाए एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट और अगर आदमी मर जाए तो सम अश्योर्ड मिलता है मतलब जो पॉलिसी की अमाउंट है वो बट अगर आदमी मरे नहीं तो क्या मिलता है सरेंडर वैल्यू कि सरेंडर करने के बाद में कितना मिलेगा। एक छोटी सी और एक रिक्वेस्ट है अगर किसी बच्चे को अनकंफर्टेबल लगे और ऐसा कुछ सफोकेशन ले कोई टेंशन नहीं लेना क्लास के बाहर जाना होता है ऐसा कुछ बच्चों को ठीक है। सो इफ समबडी इज फीलिंग लाइक दैट यू कैन गो आउट टेक ब्रीथ एंड कम होता क्या ना कि वेंटिलेशन ही नहीं ना बेटा और फिर जो तुम छोड़ रहे हो वही गलत मत सोच रहे ना लाइक कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर वन वी आर देयर ऑन पेज नंबर 11.94। जितने कॉन्सेप्ट हमने एडमिशन के सीखे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज एप्लीकेबल है रिटायरमेंट के लिए। जो दो नई चीजें थी वो मैंने बताई अब देखो रिटायरमेंट एडमिशन के नॉलेज के बेसिस पर ही हम खत्म कर देंगे मतलब चालू हो जाएगा और जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं वापस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ओके।
सो खरबूजो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप आएंगे रिटायरमेंट में पेज नंबर 94 ला 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 ला। अब देखो बेटा आपको एक और बात बताता हूं, अब पार्टनरशिप इतना फास्ट भागेगा कि तुम बोलोगे हाँ अब तो खट 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 चीजें हो रही, अभी पार्टनरशिप फास्ट भागेगा, पार्टनरशिप स्लो होगा अभी सिर्फ लास्ट के मोमेंट पर, व्हेन वी आर ऑन द लास्ट फेज ऑफ पार्टनरशिप जहां पर आएगा थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां पर थोड़ा पार्टनरशिप वापस स्लो होएगा, बट बाकी अभी अपने पास सीखने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, तो अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही रहेगा, तो देखना शुरू करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, क्या कर रही है बेशरम, निंदू नहीं आ रही तो भी ऐसा धीरे धीरे चालू कर रही है निंदू लेने की कोशिश। ए एंड बी, जबरदस्ती नहीं होती क्या यॉनिंग करने की स्टाइल, चर्चिटी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5 और 1:2, देयर बैलेंस शीट बोला हुआ है, कैपिटल ए बी, रिजर्व अकाउंट, इला रिजर्व अकाउंट किधर जाता है, अब बताओ तुमसे क्या करे, अभी इतने प्यारे बच्चे हो तुम, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, एंट्री होगी रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड, मुद्दा वही का वही है बेटा जी, पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन करो, रिजर्व्स को ट्रांसफर करो, गुडविल के एडजस्टमेंट करो, जेएलपी अगर ऐसा कोई स्पेशल केस आ गया तो जेएलपी के एडजस्टमेंट करो एंड कीप गोइंग अहेड, इज दैट ओके। सो सारा का सारा जैसा एडमिशन में करते थे वैसे ही एम्प्टी द बैलेंस शीट, स्टेप नंबर वन। आगे बढ़ते, द गुडविल ऑफ, अच्छा बी रिटायर्स, बी क्या बोल रहा है, मैं जा रहा हूं फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर, द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वॉज मेड, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 25,000। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, बी जा रहा है तो वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा, ये कौन सा नया लॉजिक है, मतलब मैं जा रहा हूं धंधा छोड़कर तो मैं गेन कैसे कर सकता हूं, मुझे मेरा पैसा मिलेगा बट वो सैक्रिफाइस करेगा, एक गेन करेगा, जो बिजनेस में हो बिजनेस में गेन करेगा। अच्छा तुम ऐसा सोच रहे हो कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बी, नो नो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, यू टेल मी, फर्म में से सैक्रिफाइस कर रहा है और ए फर्म में गेन कर रहा है, हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्म की, सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वॉज मेड, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, डाउटफुल डेट्स कर दो ट्रेड रिसीवेबल पर, डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल 2%, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड क्लोज पार्टनर्स अकाउंट एंड गिव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए। सो अब इसके आगे ये प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्म नहीं रहेगी, बट फॉर्म से प्रोप्राइटरशिप में कैसे कन्वर्ट हो रहा है हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, यहां पर कौन रह जाएगा, सिर्फ ए। तो बेटा हमें करना क्या है कि सिर्फ रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट करनी, फिर आगे ए कंटिन्यू करेगा, तो ए का प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, अपने कोई टेंशन नहीं लेना है, अपने को क्या लिखने का, ए इज कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, है ना, शुरू करें। अरे नको ले रहे टेंशन, अभी रिटायर तो करना पड़ेगा ना। सो स्टेप नंबर वन बताओ मुझे क्या करना है, एम्प्टी द बैलेंस शीट। स्टेप नंबर टू क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन एंड व्हाट, रिवैल्यूएशन एंड गुडविल, गुडविल ना, और फिर क्या करेंगे बाकी की चीजें जैसा क्लोज हो रहे क्लोज करते जाएंगे। तो पहला क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ फर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बेटा अभी रिटायरमेंट से थोड़ा सा होमवर्क बढ़ेगा, जहां पर कॉन्सेप्ट सेम है, रुपीज रुपीज, फिर क्या बनेगा बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल। आज हम थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज भी सीख लेंगे कि अगर एग्जामिनर ने जर्नल एंट्री पूछी तो कैसे आएगा। ए बी, ए बी फिर क्या बनेगा, यू मीन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि कुछ रिपे नहीं कर रहे, बनाने तो बनाओ क्लोज हो जाएगा, बट कैश अकाउंट क्यों बनाएंगे, कुछ रिपे कर रहे क्या, कोई कैश लेके आ रहा है क्या, नहीं, कल तक हम कैश अकाउंट इसलिए बना रहे थे कि पैसा आ रहा था, अभी ना पैसा आ रहा है ना रिपे कर रहा है। सो रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, और क्या, बैलेंस शीट। आफ्टर रिटायरमेंट लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, कैन आई हैव दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस,
खुश रहने का एकदम, ऐसे लगने चाहिए छोटे छोटे फ्लावर्स है, खुश है, ऐसा सीरियस थोड़े लेकर मत बैठो। शैल वी स्टार्ट? हो गया बनाकर? पहला क्या करना है? एम्प्टी द बैलेंस शीट। सो मुझे बताओ, प्लांट एंड मशीनरी ले लू क्या? प्लांट एंड मशीनरी इनर या आउटर? बिल्कुल सही, प्लांट एंड मशीन इनर 20,000। फिर दूसरा इन्वेंटरी, इनर या आउटर? इन्वेंटरी पर कहां एडजस्टमेंट है? इन्वेंटरीज 16,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल इनर, ट्रेड रिसीवेबल 15,000। ओके, फिर बैंक बैलेंस, डायरेक्टली बैंक बैलेंस लिख दो बेटा, किसी को कोई पेमेंट नहीं करना है। आउटर कॉलम 6,000, और कैश इन हैंड जो तुम्हारे हाथ में रहती है उतनी 500 रुपए, नहीं उतनी भी। ओ आई एम सो सॉरी टू हर्ट यू। ट्रेड पेबल इनर कॉलम 7,500। ऋषभ सुनना बेटा, मेरे को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने का प्लीज लीव इट ऑन मी। मतलब कौन सा क्वेश्चन कहां पर पेंडिंग है, मैं हर क्वेश्चन को इधर टिक मार्क करता हूं मेरी जब जब प्रॉब्लम होती है तब। सो जो गुरु गोविंद की प्रॉब्लम बोल रहा है वो एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों है, उसमें जाके चेक कर ले। तो प्लीज मेरे को गाइड मत करो कि कौन सा चीज क्या करना है, मैं कर लेता है, मैं होशियार है उसमें। हो गया? और राजा बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल, थोड़ा समय और रुक जाओ बेटा जी, जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे जब, तुम देख लेना, तुम डॉक्टर को भी गाइड करोगे, अरे ये हार्ट इधर से निकाल येड़े, ये इधर से हार्ट नहीं निकलता है, तुम बोलेंगे पीछे से खड्डा करके निकाल, तुम्हारे में कमाल है धमाल है एकदम। और बात नहीं, मुझे नहीं समझना है। बाय रिजर्व 3:2, 15,000 डिवाइड बाय 9,000 एंड 6,000। ओके, नाउ लेट्स गो एट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा नया चीज है आपके लिए। हमारा रूल है कभी भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एंट्री करते हैं। सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ए बी। बेटा प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज देख सकते हो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन 3/5, 2/5। अब न्यू रेशियो बी का कितना रहेगा, 0। बिल्कुल सही है। सो बेटा ए लॉजिकली 5/5 पूरा ए का ही हो जाएगा, 1/1 बोलो या 5/5 बोलो, जो भी कोई चीज है, सारा किसका हो जाएगा, ए का। सो कैन आई नॉट से 5/5, मतलब 5 में से 5 शेयर किसके हो गए, एक है। अब 3/5 - 5/5 इज 2/5, नेगेटिव हो रहा है गेनिंग, और ये 2/5 क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो ये सैक्रिफाइसिंग, ये गेनिंग, फिर अपन अपना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सो हम बोलेंगे ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बेटा गुडविल की वैल्यू किसकी दी है, फॉर्म की दी है कि पार्टनर की? फॉर्म की। देख के बता सकते हो कितनी है? So 25,000 into 2/5, 10,000, और 2B कितना आ जाएगा, 10,000। आसान है, चलो लिख लो बेटा। शमा गुप्ता, when I am teaching the question, I cannot clear your doubt. Even if you post this query at least 20 times, still I will not be able to stop the problem and start your query. When a faculty comes, he has a target first, that कि आज इतना पढ़ाएंगे, फिर queries देख लेंगे. Queries is something which needs to be sorted out, but timing में मेरे हिसाब से decide करूंगा. Are we ready? So dear students, let's go ahead and do the entry. Buy. Can I say A account? B के column में आएगा 10,000.
और इधर आएगा टू बी अकाउंट और ए के कॉलम में आएगा 10,000। ओके पिल्लू, टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर वन। नाउ डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, सो लेस डाउनवर्ड 1500, आउटर कॉलम 18,500, इन्वेंट्री डाउनवर्ड 2400, 15% निकाला बेटा, सो कितना आएगा 14, इसलिए मैथ्स है ना करना चाहिए था अच्छे से, 13,600। ट्रेड रिसीवेबल में क्या हुआ है, लेस डाउनवर्ड 5% है, 750, आउटर कॉलम 14,250, अब क्या करना है, ट्रेड पेबल लेस डाउनवर्ड 150, 7,350 बेटा। अच्छा अब ये रिवैल्यूएशन के डाल दे क्या, कहां डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एग्रीड। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, टू प्लांट एंड मशीनरी, बोलो बेटा 1500, और टू इन्वेंट्री 2400, टू ट्रेड रिसीवेबल या आरडीडी भी बोल सकती है बेटा, आरडीडी इज मोर लॉजिकल 750, एंड बाय क्रेडिटर्स 150। कैन आई एक्सपेक्ट यू टू गिव मी द प्रॉफिट और लॉस ऑन दैट, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बेटा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स जाएगा इधर, है ना, और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, सो 4500 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 2700 1800, डज दैट टैली, अब क्या करना है पिल्लू, पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देंगे, टू रिवैल्यूएशन 2700 एंड 1800। अब बेटा जी एक काम करो, ए का टैली करो, 20,000 प्लस 9,000 माइनस 2700 माइनस 10,000 16,300, तो ये बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। बेटा टेल मी, बी पार्टनर ही नहीं है तो बी का पैसा रह सकता है क्या, सो बी क्या बोलेगा मालूम है क्या, मेरा अमाउंट पेमेंट करने के लिए बोला नहीं है, कहीं पर बोला है ना तुम्हारे पास उतनी कैश है क्या, 6,000 रुपए कैश है बैंक में, तो पेमेंट तो नहीं कर सकते, देख लो बैंक में 6,000 रुपए ही है कि नहीं है, और जब तक ना बोला जाए पेमेंट नहीं करो, तो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे इसको, टू बीज लोन अकाउंट, बी मरा नहीं है इसलिए एग्जीक्यूटर नहीं आएगा, टू बीज लोन अकाउंट 29,200। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, बी का लोन कहां पे दिखना चाहिए, लाइबिलिटी, और कैपिटल कहां दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में, बट एज ए कैपिटल, सो बैलेंस शीट में हम जाएंगे और इधर लिखेंगे एज कैपिटल, एज कैपिटल का फिगर कितना है बेटा जी 16,300, और इधर लिखेंगे बीज लोन अकाउंट 29,200। Can I ask you all what is the total? ₹52,850 16,300 plus ₹29,200 plus ₹7,350 52,850 Does that tally? Please tick my question number one. बेटा अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है, बोला है तो कैसे होगी, पहले जर्नल एंट्री देख लेते। एम्प्टी द बैलेंस शीट में सिर्फ रिजर्व की एंट्री होती है, एम्प्टी द बैलेंस शीट में किसकी एंट्री होगी, रिजर्व की, उसकी एंट्री होती है रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड बीएसआर। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, हमने कैसे सॉल्व किया था, एम्प्टी द बैलेंस शीट, बाकी के तो बैलेंस ऐसे लिखे थे,
स्टेप नंबर टू, यू हैव टू मेक द एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन एंड गुडविल। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो, और लास्ट एंट्री होती है बेटा जी कि जो आपका बी का कैपिटल है वो कहां ट्रांसफर करते हैं हम, बीज लोन अकाउंट। तो आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए, इसमें जर्नल एंट्री बोलिए ना बेटा, जो जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर आपको अभी सिखा रहा हूं वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एडमिशन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्या एंट्री आएगी बेटा, फर्स्ट रिजर्व टू ए टू बी, बेटा रिजर्व 15,000 है, ए को कितना जाएगा 9,000 एंड 6,000 इजी बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड बीएसआर, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड बीएसआर। स्कंदा मुझे एक बात बता बेटा, तेरे को एन्यूटी मेथड ऑफ गुडविल कहां पर यूज हुआ अभी तक मुझे बता, वो भी छोड़ सुपर प्रॉफिट कहां यूज हुआ मुझे बता, जब एन्यूटी के पास जाऊंगा तो बताऊंगा। मैंने बोला ना कुछ समय और रुक जाओ, डॉक्टर को बताया जाएगा कि कैसे करने का, तुम भी सीख जाओ हार्ट सर्जरी कैसे करने का। अच्छा अच्छा, फर्स्ट एंट्री के बाद में सेकेंड एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन या गुडविल की कर दे पहले, क्योंकि फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल की थी, तो एंट्री तो मैंने लिख कर दी थी आपको, क्या होगी एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 10,000 था बेटा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सांस लो, यस, एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री पिल्लू, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का कैसे करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंटरी, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेंटरी टू डेटर्स या टू आरडीडी। ओके, तो हम थर्ड एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू इन्वेंटरी एंड टू व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल है आरडीडी। बेटा प्लांट एंड मशीनरी का फिगर कितना निकाला था आपने, 1500, इन्वेंटरी का 2000 और आरडीडी का, जब टोटल ले ले 4650, बींग असेट्स रिवैल्यूड डाउनवर्ड्स, बींग असेट्स रिवैल्यूड डाउनवर्ड, ये खिड़की खुली है क्या, ठीक है खोल दो है ना। रसगुल्ले अब बता मुझे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फोर्थ ट्रेड पेबल टू रिवैल्यूएशन 150 बेटा, ओके, कैन आई आस्क यू फिफ्थ एंट्री, तो अभी हमको लॉस को ट्रांसफर करना है, तो बेटा ऐसे साइकिल भी चला सकते हो आप, ये देखो साइकिल कैसे चला है बेटा जी, लॉस को ट्रांसफर करना है ना, तो ये वाला लॉस क्या एंट्री करना है, सो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ऐसे ही सिखाया ना मैंने आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए का कितना आएगा बेटा, बी का लॉस, बींग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बींग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड पीएसआर,
ठाकुर साहब अब क्या करना है? वो बी को बी के लोन में ट्रांसफर कर देंगे, बात ही खत्म होगी। ये तुम्हारी लास्ट एंट्री, बीस कैपिटल टू बीस लोन, बता सकते हो आप अमाउंट कितनी है बेटा? 29,200 बीइंग बीइंग क्या ऑन रिटायरमेंट बीज कैपिटल ट्रांसफर या बी अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ऑन रिटायरमेंट अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ऑन रिटायरमेंट अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ऑन रिटायरमेंट अमाउंट ड्यू टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर वन। अब बेटा रिटायरमेंट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो जो एडजस्टमेंट आती है पहले मुझे बताते जाना कि सर ये आ रहा है, क्योंकि हमें पहले बैकग्राउंड में जो एडमिशन हुआ है उसके बेसिस पर इन एंट्रीज को देखना है। सो क्वेश्चन नंबर टू देखो बेटा, एफ जी के वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, के वॉन्ट्स टू रिटायर, ये वाला व्यक्ति रिटायर होगा। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन। बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल 70,000 बोला है, इंक्लूडिंग बीआर 20,000, सो ट्रेड रिसीवेबल 50,000 और बीआर 20,000 लिखो तो कोई आपत्ति? सही वाले फिगर लिख देते हैं। बैंक का 50,000 दिया है और मुझे लगता है कि बैलेंस शीट इजी है, रिजर्व कहा जाएगा एफ जी के में इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एफ जी के एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 इन न्यू फ्यूचर, तो ये न्यू रेशियो है क्या? के जा रहा है तो के का जीरो हो जाएगा, हमें न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी टेकन 50,000, उसके बेसिस पर उसकी एंट्री हो जाएगी। सैंडरी फिक्स्ड एसेट आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000, इन्वेंटरीज बाय 10,000, बीआर डिसऑनर्ड 5,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, डिसऑनर ऑफ द बिल वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। यह हाईलाइट करके रखो, यह मैं समझा देता हूं। अब आगे क्या बोल रहे बेटा देखो, एफ और जी एग्री टू ब्रिंग सफिशियंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के, कौन पैसा लेके आएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर, और कितना पैसा लाएंगे वो नहीं बताया, इतना पैसा लाएंगे कि जो सफिशियंट होगा जिससे हम के का बैलेंस कैश में रिपेमेंट कर सके, कैश का अकाउंट बनेगा क्योंकि कैश रिपे भी कर रही है और कैश आ भी रही है। एंड टू मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट, वाओ, तो हमें कैपिटल भी क्या करना है? प्रपोर्शनेट। ऑल्सो दे वॉन्टेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस एज वर्किंग कैपिटल, लास्ट में बैंक बैलेंस कितना रहेगा? 75,000। पास जर्नल एंट्रीज, ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑल्सो प्रिपेयर, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राफ्ट बैलेंस शीट। इसकी जर्नल एंट्रीज हम ओरली करेंगे, बट कभी भी आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री डायरेक्टली पूछे तो ध्यान में सुन लेना, आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री नहीं कर पाओगे अनलेस एंड अंटिल यू क्रिएट एटलीस्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कभी शॉर्टकट मत मारना, कैपिटल अकाउंट बना देना, बाकी की चीजें आप ओरली इमेजिन कर सकते हो। क्या इमेजिन? रिवैल्यूएशन आराम से होएगा, कैपिटल नहीं हो पाएगा क्योंकि कौन सा बैलेंस कहां पे है। तो हमेशा जब भी आपको एग्जाम में कोई चीज सॉल्व करनी है तो क्या बनाओगे आप? कम से कम कैपिटल अकाउंट, ठीक है? सो हियर वी गो, क्या क्या बनाएंगे बेटा इन द बुक्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा राजा बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एफ जी के ऐसे तीन पार्टनर होंगे, आज 4 बजे तक लाइट नहीं है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और एक कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा जी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग है, एज ऑन
31 दिसंबर 22 आफ्टर रिटायरमेंट क्या? बनाकर रेडी कर दीजिए। Shall we proceed now? Okay, राजा बेटा जी अब मुझे बताओ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कौन कौन है? F, G, K, ओल्ड PSR कितना है? 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशियो कितना है? 3/5, 2/5। एफ बेटा जी गेन कर रहा है 1/5, जी 0 है और ये 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है। चेक कर लीजिए, कॉमन सेंस की बात है बेटा, 2/5 में से 3/5 जाएगा तो नेगेटिव ही आएगा, और 2/5 - 2/5 इज 0 और 1/5 - 0 इज 1/5 पॉजिटिव है, सैक्रिफाइसिंग है। हाँ या ना? अब मुझे बताओ गुडविल फर्म की दी है कि एक शेयर दिया है, तो पूरा रेशियो लेंगे या सिर्फ न्यूमरेटर? तो हमारी एंट्री क्या होगी पता है क्या आपको? एफ टू के, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है? एफ। तो हम एंट्री कर देते बेटा जी, एफ अकाउंट डेबिट टू के अकाउंट इन द ब्रैकेट। कितनी गुडविल है बेटा? 50,000 × 1/5, 10,000। ठीक नहीं बेटा आपको? कोई बात नहीं, गुड़िया बाहर चले जाना बेटू, बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सफोकेशन हो रहा है ना, सुन मेरी बात, बाहर चले जाओ। अरे सुन ले पापा की परी, चली जा बाहर, कुछ नहीं होगा। एक से एक बेशरम लोग आए हुए, मतलब प्रेम से बात करो तो भी नहीं समझ में आती बात। हाँ राजा बेटा जी, शुरू करें एम्प्टी द बैलेंस शीट। सो बेटा जी पहले आ जाओ बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, सेंड्री फिक्स्ड एसेट इनर कॉलम बेटा, कितना लिखेंगे? तुम ये बात तो एकदम सही बोल देते हो। फिर इन्वेंटरीज इनर या आउटर? 50,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैन आई राइट डाउन 50,000? और बिल्स रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल पर कोई एडजस्टमेंट क्या? ट्रेड रिसीवेबल पर नहीं है ना। बिल्स रिसीवेबल कितने का है बेटा? 20,000। और बैंक का बैलेंस लिखेंगे बेटा जी, लिख दूं बैंक का बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। रसगुल्लो कैपिटल अकाउंट है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट में 1,20,000, 80,000 एंड 60,000। रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR, सो बाय रिजर्व एंट्री आएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू FGK इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 10,000 डिवाइड बाय 5 × 2, 4,4,2,
बेटा जी ट्रेड पेबल कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इनर या आउटर? इनर क्यों? ट्रेड पेबल में क्या एडजस्टमेंट है? सांस लेते हुए मैंने लिखा ट्रेड पेबल 50,000. कैन आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू जस्ट लेट मी नो वन थिंग, क्या हम बैलेंस शीट को एम्प्टी करने में कामयाब हुए क्या? ओके, क्या इधर तक तो बच्चा करके आ पाएगा? तो मतलब अभी कैसे सोचना कि जो चीज नहीं है सिर्फ उस पर फोकस करो. यहां तक तो हमने रेगुलर ही किया. गुडविल के एंट्री भी हम कर पाएंगे क्या? सो बेटा जी गुडविल के एंट्री कर देते हैं. हमने ऑलरेडी कर दिए बाय एफ अकाउंट के कॉलम में 10,000 वर्किंग नोट में किया था एंड टू के अकाउंट एफ के कॉलम में 10,000. सो कैन माई डियर स्टूडेंट टिक मार्क विच एडजस्टमेंट? है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया. सन्ड्री फिक्स्ड एसेट आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000. बेटा कीवर्ड है बाय, नॉट अप टू. सो डायरेक्टली 30,000 की एंट्री होगी. इन्वेंट्री बाय 10,000. तो आ जाओ बेटा जी बैलेंस शीट में, एड अपवर्ड 30,000, आउटर कॉलम 1,80,000, इन्वेंट्री एड अपवर्ड 10,000, आउटर कॉलम 60,000. बीआर का दिखते बेटा, पहले इसको रिवैल्यूएशन में डाल दे. सो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय फिक्स्ड एसेट 30,000 और बाय इन्वेंट्री 10,000. आर वी श्योर सो फार? नाउ जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड रुपीज 5,000. डिसऑनर्ड मतलब पैसे नहीं मिले. और क्यों नहीं मिले बेटा? डिसऑनर ऑफ द बिल वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर. एकदम सिंपल सेंस लगाइए, एंट्री से बाद में देखिए. एकदम कॉमन सेंस मतलब मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ भी नहीं रहा अपने को, पैसा आने वाला है कि नहीं आने वाला? इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ? दिवालाखोर हो गया वो, है ना, उसके पास पैसे नहीं है. सो बेटा जी मुझे बताइए ये बीआर के पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? तो कैन आई नॉट से डाउनवर्ड 5,000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 15,000. कितने बच्चों का बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया? जिनका हो गया उनको बता रहा हूं. एंट्री अगर करते तो कैसे करते? डेटर्स टू बीआर. सो डेटर्स बढ़ जाता, बीआर लेस हो जाता. बट डेटर्स बढ़ने के बावजूद भी क्या होता? बैड डेट्स. तो एंट्री हो जाती रिवैल्यूएशन टू डेटर्स. सो अल्टीमेटली पैसा नहीं आ रहा है, यस और नो? सो कुल मिलाकर जिनका बीआर हुआ है उनको मैंने बताया, बट जिनका नहीं हुआ टेंशन मत लो. इतना तो समझ में आ रहा है ना कि आदमी इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसा नहीं आएगा. सिंपल तरीके से देखते पार्टनरशिप को, 5,000 रुपए नहीं आ रहे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. सो कैन आई नॉट राइट डाउन इन द रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू बीआर कितना आएगा बेटू? दैट्स करेक्ट. लो कर लो बात. अब आगे क्या बोला है कि वो बोल रहे जो रिटायर हो रहा है उसके लिए जो पैसा लगेगा वो दोनों पार्टनर लेके आएंगे. आगे और एक बात कही जा रही है कि पाजी लास्ट में 75,000 रुपए का बैलेंस भी चाहिए. बट ये सब कार्यक्रम करने के पहले आपको लगता है मुझे रिवैल्यूएशन को टैली करना पड़ेगा? तभी तो मुझे यह पता चलेगा ना कि उसको पैसा कितना देना है. जो रिटायर हुआ है उसको पैसा कितना देना है, पहले अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे. तो अभी एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं. 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000. ये कहां चला जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल एफ जी के रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5. 14,000, 14,000, 7,000. इजी पीजी. सेकेंड इफेक्ट बता दो इसका. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम बाय रिवैल्यूएशन 14,000, 14,000, 7,000. मुझे पार्टनरशिप की यही सबसे खास बात लगती है
कि इसमें जीरो मार्क्स नहीं मिल सकते अगर बच्चा थोड़ा सा भी बेसिक करके चले जाए। इधर तक अगर आप करके गए तो क्या मार्क्स जीरो मिलेंगे क्या? कुछ तो मार्क्स मिलने ही वाले। मान लो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 10 मार्क का आया, 10 में से इम्पॉसिबल है कि आपको 5 नहीं मिलेंगे, मिलने ही वाले, ये बात ध्यान रखना। अब आगे चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्योंकि आगे जो मैं कर रहा हूं एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम नहीं सीख रहे हो आप। इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर पेन यूज इट। आर वी रेडी? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं बैंक का बैलेंस कितना बताया गया है? हां जी 75,000 है बेटा जी। सो क्या मैं इधर लिख सकता हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन? कितना लिख दूंगा? दैट हैज बीन एन अमेजिंग स्टोरी यू हैव एक्सप्लेन मी सो फार। सर कहां से पता चला बैंक का बैलेंस 75,000 होना चाहिए ऐसा बोला है? मैंने चेंज नहीं किया कलर ऑफ पेन, कर दिया। अभी 75,000 दूसरा कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड, बैंक अकाउंट 75,000। बोलो कोई एतराज? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, रिटायर कौन हो रहा है? के का पैसा रिपे करना है या लोन में ट्रांसफर करना है? मतलब तुम क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो, मतलब जो मन में आएगा वो बोलोगे। के को रिपे करना है या लोन में ट्रांसफर करना है? अब रिपे की एंट्री सिंपल है, किसी भी व्यक्ति को रिपे करना है तो कैश जाएगी टू कैश एंड कैपिटल टू कैश। सो कम डाउन टू द के अकाउंट और के को बोल भाई हम कहां से लाएंगे पैसा? वहां से लाएंगे, बट तू एक काम कर तेरा पेमेंट ले जा। सो मेरे हिसाब से टू बैंक 79,000, ये कबूल है? क्या बड़ी बात करी मैंने, बहुत फालतू बात करी है। मैंने बोला के पैसा लेके जाएगा, एग्रीड। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक के क्रेडिट साइड में। हमारी एंट्री क्या हो रही है? के टू बैंक। क्लियर ना? अरे छोटे ठाकुर हाँ। सो अभी इधर क्या करूंगा? कैश बैंक के क्रेडिट साइड में बाय के 79,000। अब आपकी जहां पर भी शक्तियां छुपी हुई है उन शक्तियों को केंद्रित करिए एक जगह पे और इधर ध्यान लगाइए। जहां पर भी शक्ति है कर सकते हो थोड़ी सी देर के लिए, गिनकर 15 सेकंड मैं चालू करने के बाद मैं क्या करूंगा? अब बेटा जी के का कैपिटल तो नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगा? लिखूंगा 180,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 75,000, मेरी अमाउंट आ गई 3,80,000। माइनस कर दूंगा 50,000, तो बेटा जी कैपिटल तो रहेगा 3,30,000। के तो आ ही नहीं सकता, के का तो रिपेमेंट कर दिया आपने, तो कॉमन सेंस है ये किसके पास रहेगा? एफ और जी। तो मैंने लिख दिया एफ और जी, बट एफ और जी का ये कैपिटल कितना रहेगा? पीएसआर में जाके चेक करिए, प्रोपोर्शनेट बोला इन पीएसआर, देखो क्या लिखा है, कैपिटल प्रोपोर्शनेट, यस और नो? अब कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है तो रेशियो क्या? 3:2, 330/5 × 3, सो एफ का रहेगा 1,98,000, 1,32,000। बेटा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपने बैलेंस शीट में कैपिटल निकाला है और यहां से कैपिटल में जाएगा और वहां से बैलेंसिंग फिगर कैश का निकलेगा। मैं वापस बता रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने असेट साइड को प्लॉट कर दिया। कौन सी साइड? असेट साइड। असेट साइड तो फाइनल है ना, सब कुछ तो पता है तुम्हें, बैंक बैलेंस पता है, प्लांट एंड मशीनरी पता है, इन्वेंटरी पता है, ट्रेड रिसीवेबल पता है, बीआर पता है, फाइनल है असेट साइड। असेट साइड फाइनल क्या? लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स फाइनल है, और अगर अब मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे कैपिटल का फिगर मिलेगा कि नहीं? और कैपिटल का फिगर आ जाएगा 3,30,000। अब बेटा 3,30,000 है तो ये कौन से रेशियो में रहेगा? पीएसआर, न्यू पीएसआर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कैपिटल कैसे रहेंगे? प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट रहेंगे तो कौन से रेशियो में रहेंगे बेटा जी? 3:2। सो कैन आई नॉट से 3/5 and 2/5? ये आपने लिखा बेटा अभी यहां तक, तो पहले बैलेंस शीट में आएगा फिगर। अगर आप अनुमति दे तो आगे बढ़ूं, पूरी क्लास को प्रोसेस समझ में आई? पहले
बैंक का बैलेंस पुटअप किया, फिर ये पता किया कि भाई साहब हमारे कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, टोटल टोटल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया है ना। अब मैं क्या करता हूं, पार्टनर्स कैपिटल में आता हूं और इधर मुझे पता चल गया कि क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, 90, 98 एंड 1 लाख 32। बेटा कॉमन सेंस से बताओ के का कितना आएगा, नहीं आएगा, पेमेंट हो गया। रसगुल्ले बच्चों, अब यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा कैश का और कैश जाएगा कैश अकाउंट में और कैश टैली हो जाएगा। चेक करो अभी एफ का बैलेंसिंग फिगर कितना है, तो बेटा जी मैं इधर लिख रहा हूं बाय बैंक, बराबर है क्या? अब तुम पूछोगे बैंक क्यों, क्योंकि अरे तुमने खुद नहीं तो बोला था कि सर दोनों पार्टनर क्या लेके आएंगे, सफिशियंट कैश, तो एफ कितना लेके आना चाहिए, 70,000 हमारी एंट्री होगी बैंक टू एफ कैपिटल, क्लियर। के जी कितना लेके आएगा बेटा, 80 प्लस 4,000 प्लस 14,000 माइनस 1,32,000 34,000, तो जी लेके आएगा 34,000। याद है वो एडजस्टमेंट लिखा था, एफ एंड जी विल ब्रिंग सफिशियंट कैश टू डिस्चार्ज बैलेंस ऑफ व्हाट, के, एंड रिटेन अ बैलेंस ऑफ हाउ मच, 75,000। 75,000 बैलेंस भी रहना चाहिए और के का पेमेंट भी हो जाना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये फिगर लेके आएंगे दोनों, कैपिटल तो प्रोपोर्शनेट है। अब जरा चेक कर लेते हैं, ये फिगर अगर मैं कैश बैंक में डालता हूं तो मेरा कैश बैंक टैली हो रहा है और 75,000 का बैलेंस भी रह रहा है, तो मेरा आंसर सही है। चेक कर लो अभी, कैश बैंक में टू एफ्स कैपिटल टू व्हाट, जीज कैपिटल, ये 70 और ये 34। चेक कर बेटा टैली हो रहा है क्या, इधर एक चीज लिखना भूल गया था मैं, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर नहीं, बैंक बैलेंसिंग फिगर है, और जब मैं कैश बैंक में डालता हूं तो टैली हो जाता है। ओके, लेट्स कम अलोंग विथ मी एंड राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप, यहां पर क्या लिखना है और फिर मैं आपका रिवीजन लेता हूं इस क्वेश्चन का। कहां पर क्या लिखना है सर, ये देखो इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन था इधर, स्टेप नंबर वन, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्लोजिंग बैंक बैलेंस गिवन राइट 75,000, जब ऐसा दिया रहेगा, बैंक का बैलेंस दिया रहेगा तब क्या करना। सो फर्स्ट स्टेप हमारी आएगी क्लोज, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल, नहीं क्लोज पार्टनर्स कैपिटल नहीं, क्लोज नहीं रे, क्लोज, अरे रुक रे भाई, मेरे को बोलना, क्लोज के अकाउंट, क्लोज के अकाउंट, बराबर है। देन सेकंड, क्लोज बैलेंस शीट असेट साइड एंड कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल इन बैलेंस शीट, पिल्लू बराबर है, असेट साइड क्लोज होगी, तो असेट साइड कैसे क्लोज होगी, आप बैंक का बैलेंस वहां पे पुट अप करेंगे तो असेट साइड क्लोज, और फिर वहां से क्या निकलेगा, कैपिटल। फिर थर्ड स्टेप, डिवाइड कैपिटल प्रोपोर्शनेटली इन बैलेंस शीट, बराबर है, इन न्यू रेशियो, बराबर है। अब क्या करते बेटा लास्ट स्टेप, ये कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, वहां से क्या निकलेगा, कैश का बैलेंसिंग फिगर। सो फिर फोर्थ स्टेप, ट्रांसफर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस एंड कैलकुलेट कैश टू बी ब्रॉट, और फिर लास्ट में आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। बेटा हम तो क्या है, ऐसी जगह से आए हुए हैं, तुम तो बहुत होशियार लोग हो, मेरे लाइफ में कभी ऐसा टारगेट था ही नहीं कि सब कुछ समझ में आना है, हमारा फर्स्ट टारगेट होता था पास होना, और थैंक गॉड ये टारगेट था हमारा, क्योंकि भाई पहला काम क्या था कि पास हो जाए, आगे का चर्चा आगे, झेपती नहीं थी चीजें,
तुम्हारी प्रॉब्लम है अकाउंट्स की, हमारी प्रॉब्लम थी इंग्लिश की। मुझे तो यही नहीं समझ में आता था कि है क्या, मैं कसम खा के बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो पहले फर्क ही नहीं समझता था कैपिटल और लाइबिलिटी में फर्क क्या है। हाँ, जब मैं पढ़ा करता जिंदगी में झोल था, बट वो झोल मेरे फेवर में भी काम कर गया, तो मैं वहां से सीख गया जिंदगी में कि कभी भी एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ड्रिल डाउन, जहां तक आता है वहां तक करो। क्या करेंगे ना, अभी गरीब मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, अभी आ ही नहीं रहा है, तो भाई जहां तक आ रहा है वहां तक करो। मैं आपको भी फर्स्ट स्टेप यही सिखा रहा हूं कि पहले ये पता कर लो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या आप रिवैल्यूएशन बना सकते हैं, क्या आप पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या आप सब लोग और कौन से गुडविल के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है यहां तक हो जाने के बाद में अब अपने दिमाग को शांति से पूछो, किसका पेमेंट करना है या लोन में ट्रांसफर करना है, के का। सो उसका बैलेंस निकालकर टू के, मतलब के के डेबिट साइड में टू बैंक कर के का पेमेंट किया, ठीक है। अब राजा बेटा जी, बैंक का बैलेंस 75,000 चाहिए, बैंक का 75 लिख सकता हूं बैलेंस शीट में। फिर असेट टैली हुई, कैपिटल निकला टोटल दोनों का, अब दोनों का कैपिटल निकला तो एग्जामिनर यह भी बता रहा है कि कैपिटल कौन से रेशियो में रहेगा, पीएसआर प्रोपोर्शनेट बोला है, तो 3:2 में बांट दिया। ये कैपिटल ले जाके पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया, वहां से बैलेंसिंग फिगर कैश का आया, कैश का कैश में लिखा, कैश टैली हो गया। कबूले? तो मेरी ड्रिल डाउन अप्रोच फॉलो करो, यू विल गेट सम मार्क्स। जमते नाउ लिखिए हेडिंग, तुम्हारे 2-3 पन्ने जो खाली थे शुरुआत में वहां पर, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट समझने के लिए पहले आपको मुझे समझाना पड़ेगा दाबेली एंड चीज दाबेली के बीच का फर्क। मुझे नहीं आता है, मुझे बता दो तो फिर मैं समझा दूंगा, एडमिशन रिटायरमेंट में तभी समझा सकता हूं। यह बात तो तय है, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट एक साथ हुआ, कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूं। एक बाप रिटायर हो रहा है, उसकी जगह पर कौन आ रहा है, बेटा, ऐसा होता है, बहुत नॉर्मली होता है, बहुत कॉमन ट्रांजेक्शन है, वन पर्सन विल गो अदर विल कम, क्योंकि होता क्या है कि भाई साहब धंधे में कैपिटल चाहिए, तो अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो हम दूसरा पार्टनर देखते हैं, एक रिटायर हो रहा है एक एडमिट हो रहा है। तो प्रश्न सिंपल सा है मेरे पास एकदम, दाबेली और चीज दाबेली में फर्क क्या है, चीज दाबेली में सिर्फ चीज ऐड होता है, बट चीज पहले ऐड होता है कि पहले दाबेली बनती है। बेस्ट है, अभी अपना आंसर आ गया, आपको भी ये ध्यान में रखना है कि पहले नंबर पर दाबेली बनेगी फिर चीज ऐड होगा, मतलब चीज दाबेली कभी बनी नहीं सकती डायरेक्ट, है ना। एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट्स, रिटायरमेंट एंड एडमिशन, पहले रिटायर होगा फिर एडमिट कर देना, काम खत्म। क्या कर दो कि पहले रिटायर, पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, एडमिशन, अब चीज दाबेली क्या पढ़ाएगा तुमको, वापस दाबेली से पढ़ाऊंगा क्या, चीज दाबेली में क्या बोलूंगा भाई, चीज डाल दे, तो वैसे और क्या बोला, दाबेली बन गई उसके बाद में चीज डाल दे, यही बोलना पड़ेगा। वैसे सेम लॉजिक से एडमिशन और रिटायरमेंट दिखने में टफ लगता है, फालतू प्रॉब्लम। स्टेप वन, रिटायरमेंट करो, कभी भी एडमिशन के बारे में सोचना नहीं, आंखें बंद कर लेना अगर कुछ एडमिशन की दिखे तो। स्टेप टू, एडमिशन, बस बात खत्म हो गई, मेरा भरोसा मानो, इतना ईजी है, तो इसको टफ बना के कोई सेंस नहीं है। पहले क्या करोगे, रिटायर, फिर क्या करोगे, बस अब क्या हो गया। मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के लिए कॉमन है क्या? हाँ, तो रिवैल्यूएशन वैसे ही होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ पहले दिमाग में रिटायरमेंट रखना, फिर दिमाग में क्या आएगा, एडमिशन। पान क्रमांक, पेज नंबर 11.97, क्वेश्चन नंबर 5, जितना पक्का आपका एडमिशन जितना पक्का आपका रिटायरमेंट उतना अभी उसके टाइप की प्रॉब्लम होती जाएगी। और तुम्हें पता है एग्जाम में कितनी बार आ गई एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, 2-3 बार आ गए, सिर्फ ये वर्ड देखकर बच्चा डर जाता, अभी क्या करूं, फालतू प्रॉब्लम, एकदम फालतू, मुझ पर भरोसा नहीं, देख लो अभी तुम खुद खा जाओगे इसको।
सर हम यूपी से हैं, मैंने दोनों ही टेस्ट नहीं की है अभी। यूपी में क्या मिलता है? यूपी का है क्या कोई, ऐसा कोई आइटम मिलता है क्या यूपी में? फंसा दिया ना यार छुरी। चल मैं बता, पिज्जा छोड़ना, परोठा खाया क्या कभी? परोठा, आलू परोठा, आलू परोठा। अब एक है प्लेन परोठा और एक है बटर परोठा। अब मैं बोल रहा हूं बटर परोठा सिखा रहा हूं, तो कैसे सीखेगी तू? पहले परोठा बनाएगी और गरम गरम में बटर डालने का, इतना एक बात ध्यान रखना, ठीक है? नहीं ठंडे में डालेगी कुछ मतलब नहीं है फिर। आई थिंक नाउ समझ में आ गया, आलू परोठा। गुड, थैंक यू, आई गॉट द गुड एग्जाम। ड्यूएल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म विद द पार्टनर्स मिस्टर अब शेयरिंग प्रॉफिट ऑन द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10:6:4। बैलेंस शीट ऐसे दे दी है, एबीसी रिजर्व आइला। पार्टनर कौन से अभी? एबीसी किसको जाएगा रे? एबीसी। कमीने बच्चों, अगर न्यू पार्टनर को गंदी नजर से अभी देख लेना तो याद रख लेना, पहले क्या? रिटायरमेंट। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड बिल्डिंग, डूइंग। ऐसा बोला जाता है कि इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर, इसको पहले निकालेंगे, और डी विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। गुडविल कितनी है बाबू मोसे आए? 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपियर इन द बुक्स। मैं आपको बताता हूं ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी सी। मैं आपको बता देता हूं न्यू पार्टनर कौन है, ए सी डी। बस हमको तो वही कार्यक्रम करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, और फिर वही एंट्री करनी है। क्या झूठ? हाँ बोलो, क्या अलग अलग होंगे? क्या बोल रही है तू? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग मैंने ऐसा कभी नहीं बताया कि एडमिशन का अलग से निकलता है और सैक्रिफाइस रिटायरमेंट का। मैंने क्या बोला? ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर। तू मुझे उतना ही आंसर दे, ओल्ड पार्टनर कौन है फर्म में? एबीसी। न्यू पार्टनर कौन है? बी गया, कौन आया? डी। मेरे न्यू पार्टनर है ए सी डी। ये तुम्हारा इमोशंस का गेम है कि हाँ कुछ तो नया होना चाहिए। नहीं कर सकता मैं नया, मैंने जो लॉजिक सिखा दिया वही लॉजिक मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं। फिर दोबारा पूछ रहा हूं बड़े प्रेम से शांति से, मुझे इतना ही आंसर दो, ओल्ड पार्टनर कौन है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई। अब न्यू पार्टनर कौन है फर्म के? बात खत्म हो गई, मैं क्यों उसमें भसड़ मचाऊं फिर? अभी मैं यही करूंगा, ओल्ड गेनिंग फिर गुडविल बांट दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी 5-20% से डिप्रिशिएट करना है। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। अब इसकी एंट्री सुन लो, इन्वेस्टमेंट जब रिटायरिंग पार्टनर लेके जाता है तो हम क्या बोलेंगे? रिटायरिंग पार्टनर टू इन्वेस्टमेंट। बट बेटा एक मसला है, इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने का है? 12,000 का है, बट रिटायरिंग पार्टनर कितने में लेके जा रहा है? तो कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? सो बेटा जी हम लिखेंगे आर 15,000, इन्वेस्टमेंट 12,000, टू रिवैल्यूएशन 3,000। सर रिवैल्यूएशन क्यों? पाजी अब ये बात तो समझ में आनी चाहिए, कोई धंधा तो चल नहीं रहा तो पे एंड एल में तो नहीं जाएगा। ये कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन है, स्पेशल ट्रांजेक्शन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऐसी ट्रांजेक्शन है। इधर जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, सब रिवैल्यूएशन में जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन। एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है कि प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया तो हम कहां पे डालते थे उसका प्रॉफिट? पी एंड एल। अब कहां डालेंगे? रिवैल्यूएशन। स्वीकार है? आगे प्रोविजन फॉर 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल टू कवर द डाउटफुल डेट। साधारण से एडजस्टमेंट रिवैल्यू। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए बी सी डी इन दर न्यू पीएसआर 2:2:1। कुछ सरप्लस पैसा रहा तो उससे क्या पेमेंट करेंगे? बैंक ओडी। एंड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लो बल्ले बल्ले, वो ओवरड्राफ्ट और वो नीचे का कार्यक्रम है ना, बाद में करेंगे। अभी के लिए क्या करने का? अपन जितनी अपने को स्टेप्स आती है वो पहले क्या क्या बनेगा ये देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, 4 कॉलम बनेंगे ए बी सी डी, फिर नेक्स्ट बैंक अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। अच्छा स्टेप नंबर 1 बताओ, एम्प्टी द बैलेंस शीट, रेगुलरली बैलेंस शीट एम्प्टी करने का। फिर स्टेप नंबर 2 रिवैल्यूएशन, रेगुलरली करने का। स्टेप नंबर 3 गुडविल के एडजस्टमेंट, रेगुलरली करने का। क्लियर है? सो आ जाइए इन द बुक्स ऑफ मैकडोवेल, नहीं ड्यूएल रे।
सर मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है दोनों का। गुजरात जा बेटा, गुजरात, गुजरात में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, इन द बुक्स ऑफ ड्यूएल एंड कंपनी, जिनमें ऐसा लग रहा है ना गर्मी हो रही है। एक बात बताऊं क्या अच्छी वाली, ऐसे अपने आप को समझाओ, बस ये लास्ट क्वेश्चन फिर मैं बाहर जाऊंगा। अरे सर्दी किसको हो गई इतनी गर्मी में, बहती हवा सा था वो, नहीं बहती नाक सा था वो। ये बी सी और डी, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतने बड़े बड़े कॉलम क्यों बनाते हो पार्टनर्स के, अरे एक्चुअली लाइन बीच में रोक देना तो फिर टेढ़ी हो जाती है मेरी, तो फिर वो लास्ट तक ले जाता हूँ जब तक खत्म नहीं हो जाती एक फ्लो में, समझ गए। तो आप पार्टनर्स कैपिटल 6 लाइन का बना देना, बस हो गया 6-7 लाइन, ठीक है। फिर कहाँ बनाएंगे, कैश बैंक, बिल्कुल सही बात बोलते हो यार तुम, कहाँ थे आप इतने दिन आनंद भाई, नहीं आनंद भाई नहीं, कौन था रहे वो उसमें, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, आनंद भाई था वो एक, और वो दूसरा कौन रहता वो, अरे वो मालूम है रे, सोच ले कौन था वो जो मर जाता है स्टमक कैंसर, जहीर नाम रहता है क्या उसका, कैश बैंक, इज दैट ओके। फिर आगे बैलेंस शीट, एज ऑन, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, यूपी में बैठे हो, गुजरात में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, एक काम करते रहिए, स्माइल करते रहिए। तुम पुणे में बैठे हो, बैलेंस शीट के बाद पहला वाला स्टेप नंबर वन, वर्किंग नोट हो गया क्या ये, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो मुझे तो आता नहीं है, मेरे को समझाया ही नहीं किसी ने, तुम बता के बताओ मुझे। अबे ओल्ड न्यू में ही गड़बड़ कर देती पब्लिक, ए बी सी डी, ओल्ड 10/20, 6/20, 4/20, बिल्कुल सही। न्यू वाला क्या बोलता है मालूम है तुमको, 2/5, 0 बसी गई चरण गाँव भर फिर, 2/5 और 1/5, कुछ भी बोलता है, झूठ बोलता है साला खड़ूस आदमी, बी रिटायर हो चुका है, सर मैं तो चेयर पर बैठा हुआ हूं, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, बस अगर हो सके तो शादी मत करना, नहीं तो तुम क्या करोगे पता है क्या, उसको पकड़ पकड़ के सड़ाओगे ऐसे, पूछे कि कहां बैठे हो, मैं चेयर पर बैठा हूं कोई गलती नहीं है ना उसकी बेटा, इसलिए बोल रहा हूं बेटा 10/20 है तो हम कितना कर देंगे इसको, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/20 आएगा क्या बेटा, जितना मुझे लग रहा है ये प्लस आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग है, 6/20, ये 6/20 आ जाएगा, ये भी सैक्रिफाइस। नाउ बेटा जी नीचे कितना आ जाएगा, 5/4 और 2/4, तो ये आएगा 4/20, ये गेनिंग है क्या, और ये छोरे का भी 4/20 जेनिंग, एंट्री मालूम पड़ रही है क्या, सीडी टू एबी, तो लिख दो एंट्री, सी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, गुडविल कितनी है बेटा जी, पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी मैंने, कितना बोल रहे तू, 1,00,000 × 2/20,
अरे नहीं रे, 4/20। कितना आएगा पिल्लू? 20,000, 20,000, 10,000 और 30,000। सर फाइनल अकाउंट के जीएसटी के क्वेश्चन का डाउट है बेटा। मैंने वो क्वेश्चन, अगर आपका ये रिवीजन बैच है तो वो क्वेश्चन मैंने रिवीजन बैच में अपलोड कर दिया है, अगर हो सके तो वहां से देख लो प्लीज। वो लेक्चर बीच में मैंने बोला था, मैं पूजा मैम और फिर फाइनल अकाउंट का एक लेक्चर था, डाल दिया ना। ठीक है, आगे बढ़े। ऑल राइट, सो लेट्स एम्प्टी द बैलेंस शीट बेटा। जमीन जायदाद लिख लेते बेटा, लैंड कोई चेंज है बेटा इस लैंड में? नो। 10,000 जमीन, 10,000 की कहां मिलती है बे? कुछ भी करा रहे हैं मां, मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है मां। 2,00,000 मुझसे कुछ भी कराया जा रहा है मां। 2,00,000 फर्नीचर में कोई कार्यक्रम हुआ है क्या? बिल्डिंग तो लिख दिया ना इनर कॉलम मेरे, अरे फर्नीचर तो नीचे था। प्लांट एंड मशीनरी में कार्यक्रम हुआ है? प्लांट एंड मशी 1,30,000। फिर फर्नीचर, अभी दाबेली बन रही है बेटा, 43,000। इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम 12,000। और इन्वेंट्री, कोई कार्यक्रम हुआ इन्वेंट्री में? श्योर हो ना? ओ पांडे जी, 1,30,000। ट्रेड रिसीवेबल, ये तो अंदर आ जाएगा, 1,39,000। ओके, राजू बेटा कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? ए का कितना लिखेंगे बेटा जी? 80,000। बी का कितना? 20,000। सी का 30,000। और बाय रिजर्व कितना आएगा बेटा जी? 20,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे? बाय 20 × 10 कितना आएगा? 10,000, 6,000 एंड दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। देन व्हाट आर वी गोना डू आफ्टर दिस बेटा जी? नहीं नहीं, रिजर्व हो गए। लॉन्ग टर्म डेट बैलेंस शीट में आएंगे। थ्री लाख बेटा जी, एक तो चीज रह गई अपने से बनाना, बैंक अकाउंट। मैंने भी बनाया बैंक अकाउंट बेटा जी, ओडी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ध्यान से एक बात सुनना, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक गड़बड़ कराता है आपसे। बैंक ओडी एंड बैंक अकाउंट वन एंड द सेम, सिर्फ फर्क क्या है कि अगर बैंक को क्रेडिट बैलेंस आ गया तो वो क्या है? ओडी। और अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो फेवरेबल बैलेंस। जैसे मैं बताऊं, पी एंड एल अकाउंट, लॉस आया तो भी पी एंड एल अकाउंट यूज करेंगे, प्रॉफिट आया तो भी क्या यूज करेंगे? पी एंड एल। लॉस और प्रॉफिट में फर्क क्या है? प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस, लॉस को डेबिट बैलेंस। बट अकाउंट अलग थोड़ी ना बनाते हैं, अकाउंट तो पी एंड एल का ही बनेगा ना। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जीपी आया या जीएल, जीएल सिर्फ नेगेटिव प्रॉफिट है, बट अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। उसी प्रकार से बैंक ओडी और बैंक अकाउंट इज वन एंड द सेम। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि बैंक ओडी का कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बैंक ओडी एंड बैंक अकाउंट आर वन एंड द सेम, सिर्फ बैंक ओडी को क्या आ जाता है? क्रेडिट बैलेंस। इज दैट ओके? आगे बढ़ जाते बेटू। ट्रेड पेबल कहां लिखो बेटा? ट्रेड पेबल एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट। क्या बेटा मैंने कितना लिखा? अरे बाप रे, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, और तुम देखते रह गए।
44,000। अच्छा मुझे एक बात देख के तो बताओ, बैंक उड़ी 44। तो अच्छा ट्रेड, अच्छा ऊपर नीचे हो गया। ट्रेड पेबल कितना है बेटा जी? 1,70,000, 1,70,000। वाह जी, वो गुडविल के बारे में तो कार्यक्रम कर दिया हमने। क्या कार्यक्रम किया था, क्या क्या बोला था आपने? सी डी टू ए टू बी। अब जरा देखो ये कैसे करते हैं। अब इधर तुम्हारे को क्वेश्चन आएगा, सर क्या करूं? अब तुम्हें ये पता है ए और बी को क्या करना है, क्रेडिट। सी और डी को क्या करना है, डेबिट। तो इधर क्या लिखेंगे, बाय सी एंड डी अकाउंट। ए के कॉलम में कितना आएगा बेटा, बी के कॉलम में 30,000। और इधर क्या लिख देंगे, टू ए एंड बी। सी के कॉलम में कितना, 20,000। डी के कॉलम में कितना, 20,000। ये किसके एडजस्टमेंट हुई बेटा जी, गुडविल। इसकी वर्किंग मैंने आपको करके बताई। टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर ए। नाउ बिल्डिंग, कर ले बिल्डिंग को। बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, लेस डाउनवर्ड 10,000, क्योंकि ये 5% बोला गया है। ये आएगा 1,90,000। प्लांट एंड मशीनरी लेस डाउनवर्ड 20%, कितना आएगा, 26,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 1,04,000। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। बेटा ये करते हैं, पहले ट्रेड रिसीवेबल पर डाउटफुल डेट बना दू क्या, लेस डाउनवर्ड कितना आएगा पिल्लू, 1,39,000 इंटू 20% ना बेटा, 27,800। 1,11,200। बेटा तुम्हारे पास कॉमन सेंस है क्या, है कि नहीं, इतना बता दो, है श्योर हो ना? अगर ये 12,000 की चीज, मैं रफ में लिख रहा हूं, लिखना नहीं आपने, किसने लेकर गया, बी अकाउंट। मैं इधर 15,000 लिख दूं तो मुझे बताओ मैया को जाके क्या बोलोगे, मैया नेगेटिव हो गया 3,000, झाड़ू से सूतेगी मैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई नेगेटिव कैसे लिख दूंगा यार, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट या तो कम भाव पर जा सकता है, ज्यादा भाव पर जा सकता है। कम भाव पर लेकर गया तो आपको समझने आना चाहिए लॉस हुआ है, ज्यादा भाव पर लेकर गया तो क्या समझना चाहिए, प्रॉफिट। सो टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज एक्चुअली टू एडजस्टमेंट, पहले ये अपवर्ड हुआ है फिर वो लेकर गया है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट 12 का 15 में ले क्यों जाएगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इन्वेस्टमेंट के भाव बढ़ गए। सो क्या मैं बोलूं, एड अपवर्ड 3,000, मतलब एक इफेक्ट कहां गया, रिवैल्यूएशन। और फिर कौन ले गया, लेस बी अकाउंट कितना, 15,000, और आउटर कॉलम में कितना, जीरो। मतलब पहले ही अपवर्ड हुआ फिर बी ले गया, डाउनवर्ड हुआ तो भी क्या करेंगे, पहले लेस होगा फिर कौन ले जाएगा, बी। क्लियर है? सर झाड़ू तो रोज का है। चले भी आगे, रसगुल्ले बच्चों रिवैल्यूएशन के पास आओ। मैं लिखूंगा इधर बाय बिल्डिंग, क्या खाया है, टू बिल्डिंग कितना बेटा, 10,000। टू प्लांट एंड मशीनरी 26,000। टू डेटर्स 27,800। बाय इन्वेस्टमेंट 3,000। ठीक है बेटा सुनो ना, एक और काम किया हमने इधर, वो इन्वेस्टमेंट किसको भेज दिया है, बी को। उसका भी पोस्टिंग कर देते नहीं तो भूल जाएंगे। सो बेटा जी बी के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। सो बी के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट कितने का लेके गया, 15,000। साहेब, ओ साहेब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं, क्या हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं?
60,800 आ रहा है। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल, ए सुनो ना सुनो ना सुन, क्या बेटा क्या हो बेटा, प्रॉफिट का दिया नहीं 3000 का इफेक्ट, हाँ 1000 कैसे होगा भाई, 12000 की चीज 15000 में गई तो 1000 कैसे होता है, क्या खाती है मेरे को भी देना यार, वो क्या मजा आता होगा ना तेरे को 15 में से 12 1000 यार माहौल आइटम है यार इनके पास। बाय पार्टनर्स कैपिटल अग्रेड, ए बी सी, बेटा ये तो अब याद है ना यार कि ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, स्टैंड चेंज नहीं करने का अपना, अभी अपन कहां क्या कर रहे हैं रिटायरमेंट। सो 60,800 डिवाइड बाय 20 × 6 कितना लॉस आया था बेटा, 60,800 ना, 60,800 डिवाइड बाय 20 × 10 30,400 18,240 12,160 टैली। सेकंड पे कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, 2 रिवैल्यूएशन कितना आएगा बेटू, 30,400 18,240 और 12,160 कबूले, ओ भाई साहब कुछ बड़ा काम किया मैंने अभी तक नहीं। अब यहां तक सारी एडजस्टमेंट हो जाने के बाद में आपने स्टेप नंबर 1 करना, रिटायरमेंट करना। रिटायरमेंट कर रहे तो जरा जाके चेक करिए क्या हम बी को कुछ भी पैसा कैश में दे रहे हैं या लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये करिए कि पहले तो इसको रिटायर करवाइए, गड़बड़ नहीं करना ना, पहले स्टेप क्या बताया मैंने, रिटायर। और अभी तक की जो स्टेप करी कुछ भी नया किया मैंने ना, तो एक आ जाओ इधर क्या लिखेंगे, 2 बीज लोन $22,760 हैप्पी, बेटा 22,760 अब कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड। सो राइट डाउन इन द लाइबिलिटी साइड, बीज लोन 22,760 गुड। नाउ कैन आई प्रोसीड, बेटा जी अब मुझे बताइए इन तीनों जो पार्टनर बचे ए सी डी तीनों का कैपिटल मिलाकर दिया है क्या, 2,00,000 बोला है क्या, और वो कौन से रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे ऐसा आपको बोला गया, 2:2:1। सो कैन आई नॉट से 2 बैलेंस कैरी डाउन 2:2:1 आई विल राइट डाउन 2,00,000 डिवाइड बाय 5 × 2 80,000 बी में नहीं आएगा सी में आएगा 80,000 40,000 बेटा ये कैपिटल कहां जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, शैल आई राइट डाउन, ए सी डी 40 ए सी डी, कैन यू कीप ब्रीदिंग। अभी एक बात पूछू क्या, अब जरा
ए सी डी को टैली करो और ये पैसा कहां पे आएगा, बैंक में, क्योंकि देखो क्या बोला है, टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर ए सी एंड डी, यस और नो, इन द न्यू पीएसआर 2:2:1 कैलकुलेट करो, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 माइनस 30,400 माइनस 80,000, सो बाय बैंक 10,400 बेटा, और ये आएगा 60,000, ये बैलेंसिंग फिगर निकला बेटा, कैपिटल 2 लाख है उसको पीएसआर में डाला और उसके बाद में मुझे बहुत आसानी से पता चल गया कि मेरे बैंक में पैसा आया। अब बेटा जब बैंक में पैसा आएगा और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है मेरा, मैं डेबिट में लिखूंगा तो रीपेमेंट ही हो रहा है ना बैंक ओडी का, वही लाइन उन्होंने लिखी है कि देखो द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज फॉर रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जैसे मैं बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा हूं मैं एक्चुअली बैंक ओडी रीपे कर रहा हूं, तो बैंक ओडी रीपे करने की कोई अलग एंट्री नहीं हो रही, जो हम पैसा मंगा रहे हैं ऑटोमेटिकली उससे क्या रीपे हो रहा है, बैंक ओडी। चलिए आ जाइए अभी इधर, ये ओडी था फिर हम क्या लिखेंगे, टू ए टू सी टू डी, ए का कितना लिखेंगे 10,400, 78,160 और 60,000, एग्रीड। अब बेटा जी बैलेंस निकाल दीजिए और ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एक लाख 4,560, डन। अब मुझे बता दो 1,04,560 कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, अभी जो पहले अनफेवरेबल बैलेंस था ओडी वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेवरेबल, इसका मतलब ओडी का रिपेमेंट हो चुका है, हाँ या ना। सो बेटा जी बैंक बैलेंस लिख दो बैलेंस शीट में, बैंक अकाउंट 1,04,560 और मुझे चेक करके बताओ टैली हो रहा है क्या, पेन किधर है रे, ओके कैन आई गिव यू टुडेज होमवर्क, रेडी, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 11.98 एंड क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 11.106। बेटा कल होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, मेंटली तैयार हो गया ना, और सुनो आज का और होमवर्क है रिवाइज एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, रिवाइज एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, और स्टेप क्या फॉलो करना बेटा पता है, पहले जहां तक आता है वो करो, आगे की स्टेप आगे देखेंगे, इज दैट ओके, प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लॉट्स ऑफ लव।